दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आज हम सोशल मीडिया पे जो लोग रील बनाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो रील बनाते हैं। रील बनानी चाहिए, अच्छी बात है, पर रील इस तरीके की होनी चाहिए कि लोगों को उससे कुछ जानकारी मिले, एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो, वो चीज़ समझ में आती है। पर रील के चक्कर में आप लोगों को गलत चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ तो वो कहीं ना कहीं समाज और दुनिया के लिए बहुत गलत है। और ख़ास तौर से अगर मैं रील की बात करूं तो रील के जो हमारे चाहने वाले हैं मिस्टर पुनीत सुपरस्टार, जिनको लोग पुनीत सुपरस्टार के नाम से जानते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील उनकी वायरल होती है, बहुत सारे मीम्स उनके वायरल होते हैं। पर आज मुद्दा ये है कि वो जो समाज के अंदर जिस तरीके की रील बना रहे हैं वो रील कहाँ तक मतलब ठीक है और समाज के लिए कहाँ तक ठीक है। जैसे आपने देखा होगा उनकी रीलों में वो अक्सर नाली में डूबते हैं, कीचड़ में लेट जाते हैं, गोबर उठा के खा लेते हैं, नाली का पानी पी लेते हैं, गोलगप्पे में नाली का पानी डाल देते हैं, आइसक्रीम के अंदर वो नाले में डुबो के उसको खा लेते हैं। गोबर खाना तो उनके लिए बड़ी आम बात है। तो इस तरह की जो रील बनाते हैं ये, तो उसका मोटिव क्या, उसका मकसद क्या है, मतलब क्या वो समाज को परोसने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी यंग जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो उनको देखकर क्या सीख रहा है? दोस्तों शुरू करते हैं कि रील्स लोग क्यों बनाते हैं। तो रील्स नॉर्मली लोग बनाते हैं, चलो फ्री हैं, टाइम पास नहीं हो रहा तो चलो रील बना दिया। अब रील को धीरे धीरे, रील जो है वो कमर्शियल हो गई है। कमर्शियल मतलब क्या कि अब लोग रील बनाने लग गए हैं पैसे कमाने के लिए, कि भाई सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे रील बनाते हैं, रील चल जाती है तो उससे पैसा मिलता है। चलो ठीक है, आप रील को कमर्शियल वे में बना रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पे अच्छी चीज दे रहे हो। पर रील के नाम पे नाली में लेट जाना, ये कौन सा एंटरटेनमेंट है, या ये कौन सा आपका ऐसा टैलेंट है, और कौन सा इस टैलेंट के अंदर आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? गोबर उठा के ब्रेड में रख के खा लेना, मैं जितने भी लोग अभी हमारे वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे देश के अंदर हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि में करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको शायद एक समय का खाना नहीं मिलता है, एक टाइम वो लोग भूखा रहते हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया पे ऐसे रील बनाना जिसमें आप दिखा रहे हो आप ब्रेड के अंदर गोबर लगा के खा रहे हो, आप आइसक्रीम को नाले में डुबो के खा रहे हो, आप ब्रेड पकौड़े को कीचड़ में लपेट के खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो हमारा देश है, हम हिंदू हमारे देश के अंदर ज़्यादा हैं, और हम हिंदू जो हैं वो भोजन को, अन्न को देवता या भगवान के बराबर मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप क्या अन्न का मतलब निराधार नहीं कर रहे हैं, अन्न का अपमान नहीं कर रहे हैं? और अन्न का अपमान कर रहे हैं चलो ठीक है, पर हमारे देश में मैंने बताया कि कितने ही करोड़ों लोग ऐसे जो एक टाइम का खाना नहीं खा पाते, ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे रील बना के अगर वो देख रहे हैं तो आप सोचें कि आप उनकी भावना के साथ खेल रहे हैं। दूसरी बात ये कि रील बनाई जाती है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के नाम पर आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों लोग आपको फॉलो करते हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? छोटे बच्चे, बड़े, यूथ, महिला, बच्चे सभी आपकी रील देखते हैं, और कुछ ना कुछ तो ऐसे करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी रील को देखने के बाद आप जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप जैसे और दुनिया में या हमारे देश के अंदर 150 लोग होंगे तो मेरे को लगता है कि हर गली मोहल्ले में हमें एक ना एक पुनीत सुपरस्टार ऐसा मिल जाएगा जो नाली या कीचड़ में या लैटरिन में गिरा हुआ मिल जाएगा। तो हम क्या दे रहे हैं? और साथ ही साथ उससे भी गंभीर बात यह है कि इस तरह की रील बना के हम अपनी देश की छवि को कहाँ तक लेके जा रहे हैं? हमारे देश की इमेज जो है बाहर के लोग देखते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो शायद हमसे कहीं पर भी बराबर ही नहीं कर सकता, पर अगर वहाँ के लोग भी इस तरह की वीडियो देखेंगे कि भारत में इस तरह के लोग हैं जो गोबर खा रहे हैं उठा उठा के, तो एक इमेज को भी खराब कर रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, लोग अगर आपकी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लोग तो पूरे देश में आपकी वीडियो देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं, तो आप उनको क्या संदेश दे रहे हैं? तो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि रील बनाओ, रील मनोरंजक होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, जिससे लोगों को ज्ञान मिले। पर गोबर में लेटकर, कीचड़ में लेटकर आप क्या लोगों को सिखाना चाह रहे हैं? दोस्तों इस तरह की वीडियो बना के, जिस तरह पुनीत सुपरस्टार गोबर उठा के कुछ भी खा लेता है,
मेरे को तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है जब ये किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होके मरेगा। मतलब इतने बुरे हालात इसको होंगे, इस तरह की जो रील बना रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देश के लिए तो है ही गंभीर, और हमारे जो यूथ है उसके लिए भी बहुत सोचने की जरूरत है। तो इस तरह की रील्स बनाने से बचें, इस तरह की रील्स देखने से भी बचें, और जो ऐसा कंटेंट जो लोग बनाते हैं, इस तरह का कंटेंट के नाम पे जो नाली का कीचड़ आप लोगों को सर्व किया जा रहा है, इसको देखने से बचें। रील बनाएं, अच्छी रील बनाएं। हमारे ऑफिस में भी हमारा स्टाफ है, रील बनाता है, अच्छी रील बनाता है, हम लोग भी बनाते हैं, पर रील बनाएं ज्ञानवर्धक रील बनाएं। इस तरह की गोबर और कीचड़ में लेट के आप रील नहीं बना रहे, आप लोगों को, यूथ को गोबर ही परोस रहे हैं। तो इस तरह की रीलों से बचें, और इस तरह की रील्स को लेके दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।